आपकी बात हुई है छोटी आपी से? नहीं बेटा, मेरी तो वो कॉल ही नहीं उठा रही। अच्छा सुनो, मैं घर ही जा रही हूँ, शायद सो गई होगी। मैं उसे हॉस्पिटल लेती हुई आऊंगी, ठीक है? और सुनो लीशा, अम्मी को मत बताना कि वो फोन नहीं उठा रही, परेशान हो जाएंगी। जी ओके आपी। नाफिस। So my special friend, what do you want to have? Any drinks? नहीं अजान सर, मैं ड्रिंक नहीं करती। आपको पता है मुझे इस वक्त यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं आपके साथ यहाँ पर हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। ये हरगिज़ ख्वाब नहीं हो सकता, बिकॉज मेरे ख्वाबों में इतनी खूबसूरत लड़की कभी भी नहीं आती है। वैसे मायरा, आई वंडर कि आप इतनी स्वीट हैं, इतनी फन लविंग हैं, आपकी और आपकी सिस्टर में इतना डिफरेंस क्यों है? उसे कहीं से उठाया था क्या? नहीं, मैं आप ही के बारे में आपको क्या बताऊं? एक्चुअली वो हम सब में बड़ी है ना, तो पापा की डेथ के बाद उन्होंने ही घर को संभाला है अम्मी के साथ, इसीलिए आई गेस थोड़ी सी बोरिंग और सख्त हो गई। अच्छा, आप शुक्र अदा करिए कि आप उन जैसी नहीं हैं, वरना एक घर में दो लड़कियां एक जैसी होती ना तो तबाही हो जाती। वैसे उस दिन कॉन्सर्ट वाले थे आप, क्या शादी शादी चला रहे थे? वो एक्चुअली मुझे आपसे शादी करनी है। वाह, आपने तो सीधा सिक्सर ही मार दिया। स्लो डाउन गर्ल, अभी आप मुझे जानती कहाँ? तो 2020 के ज़माने में जैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है वैसे ही स्कोर कर देना चाहिए। और हमारे मुल्क में तो 90% लड़कियाँ अपने शौहर को जानती ही नहीं है शादी से पहले, तो इसमें यूनिक बात क्या है? आप बाउंसर पे बाउंसर ही फेंके जा रही हैं। वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू सो मच। और मुझे पता है आप भी दिल के बहुत अच्छे हैं। दैट्स सो काइंड ऑफ यू। एंड यू नो व्हाट, आपकी जो सिस्टर है आफरीन, वो हरगिज़ ऐसा नहीं सोचती है मेरे बारे में। शी हेट्स मी। रियली? माहिरा, माहिरा, कहाँ रह गई ये लड़की? माहिरा, चाबी कहाँ रख दी इसने? कर दी इस लड़की ने, पता नहीं कहां रह गई है, कब से फोन मिला रही हूं।